हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम टेंसेस को कंटिन्यू करते हुए आगे करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दिस टेंस सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसमें देखिए, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है यहाँ पे कि ING फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। और परफेक्ट का मतलब क्या है कि हैज़, हैड जो है ये फॉर्म इसमें यूज़ होने वाली हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये टेंस हमें क्या इंडिकेट करता है? दिस टेंस इंडिकेट एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। ये जो है हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी वो क्या है, वो कंटिन्यू है, ठीक है। लेकिन मतलब कि क्या है कि स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, वो अभी भी किस में है, कॉन्टिन्यू जो है वो चल रहा है। या सेकंड सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि बिल्कुल जस्ट अभी अभी जो है वो क्या हुआ हो, वो ख़त्म हुआ हो, लेकिन उसका इफ़ेक्ट वो अभी कंटिन्यू हो। दोनों तरह की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। अब इसमें देखिए, हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, हम इसमें फोर का सेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेंस और फोर का यूज़। फोर का यूज़ हम कब करते हैं? फोर इज़ यूज टू रेफर टू ए पीरियड ऑफ टाइम। फोर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अर्थात जिसमें सही टाइम को गिना जा सके, उसके लिए करते हैं, ठीक है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वो जो है कितने घंटे से खेल रहा है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, क्लियर है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें सही टाइम जो है वो गिनना है। सेकंड क्या है, सिंस। सिंस इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। यानी फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसे सही समय का हमें क्या चल जाता है, पता चल जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल को समझें, लाइक दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, ठीक है। यानी वो 5 बजे से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यानी 5 बजे से। वो एक, समझ रहे हो आप, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जबकि जो फोर है वो पीरियड ऑफ टाइम है, क्लियर। एक पीरियड है, एक पूरा, जैसे 2 घंटे का एक पीरियड हो गया, उसके लिए फोर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हैज़ इज़ यूज विद ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और हैव का यूज़ हम आई, यू, और प्लूरल जो नाउन होती हैं वी, दे, उन सब के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज़ हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैव को हम आगे ले जाएंगे, हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश। सेकेंड है ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, ठीक है। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, हैज़ के बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक, और इंटरोगेटिव हो जाएगा हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ऑलरेडी हम 3 वर्कशीट्स इसकी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह की, कैसे नेगेटिव और कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखिए, दे हैव बीन कैरिंग अ बैग, दे हैव नॉट बीन कैरिंग अ बैग, एंड इंटरोगेटिव रहेगा दे हैव दे बीन कैरिंग अ बैग, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सेकंड है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन ऑन गोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट इन द पास्ट। ये जो टेंस है ये ऐसे जो है आप कह सकते हो एक्शन को इंडिकेट करता है जो कि आप कह सकते हो पास्ट में शुरू होगा और पास्ट में ही जो है क्या हो, वो कंटिन्यू हो।
एंडेड बिफोर अनदर एक्शन इवेंट इन द पास्ट, पास्ट में ही दूसरा कोई भी इवेंट हो उससे शुरू होने से पहले तक ये जो है कंटिन्यू रहता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 आवर्स बिफोर द बस अराइव्ड, कि हमने तुम्हारा 2 घंटे तक वेट हम कर रहे थे जब तक कि बस नहीं आई, यानी बस आई वो एक अलग एक्शन है, उससे पहले तक वो वेट कर रहे थे। तो पास्ट के अंदर ही दूसरा इवेंट शुरू होने से पहले तक जब हमें कोई बात कहनी होती है तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसमें देखिए, इसमें आपको सेंटेंस दिए गए हैं, स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज़ करेंगे, उसके साथ बीन लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तीनों टेंसेज में इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा, ठीक है। और इसमें पास्ट परफेक्ट में हेड बीन का हम यूज़ करेंगे नाउ। और इसमें देखिए हम सिंस और फॉर का यूज़ भी करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, हैड ही बीन रीडिंग अ बुक, ठीक है। इंटरोगेटिव में हैड आगे चला जाएगा, दे हैड नॉट बीन कैरिंग अ बैग, हैड दे बीन कैरिंग अ बैग, तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरोगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड जो है लास्ट टेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है इसमें फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं विल और शैल का। अब ये जो टेंस है ये क्या इंडिकेट करता है, दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर, यानी ये जो भविष्य में कोई भी एक निर्धारित आप कह सकते हो समय तक कोई कार्य जो लगातार होता रहेगा उसके बारे में ये हमें बताएगा, ठीक है। पर्टिकुलर इवेंट है, टाइम है फ्यूचर में कि उस समय तक ये काम कंटिन्यू रहेगा। बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, कि नेक्स्ट जनवरी जो है तब भी हम यहाँ पर जो है क्या रहेंगे, हम यहाँ पर रह रहे होंगे, क्लियर। तो इस तरह से हम इसमें यूज़ करते हैं। आप देखिए वी यूज शैल विद आई एंड वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हम शैल का यूज़ करते हैं, और विल का यूज़ हम यू और थर्ड पर्सन ही शी इट दे उनके लिए करते हैं, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर इसमें सब्जेक्ट के साथ शैल विल के साथ हैव बीन का यूज़ रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट इसमें जो है रहेगा, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, आई शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, शैल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक। थर्ड रहेगा दे विल हैव बीन कैरिंग अ बैग, दे के साथ विल आ गया, ठीक है, और इसमें आई के साथ शैल आ गया, दे विल नॉट हैव बीन कैरिंग अ बैग एंड विल दे हैव बीन कैरिंग अ बैग। तो इस तरह से आप जो है इनको समझ सकते हो। अब आपको यहाँ पर फिलअप दिए गए हैं जैसा कि हर वर्कशीट में आपको दिए हुए होते हैं, तो यहाँ से हम इनको करेंगे। सो देखिए आपको फर्स्ट जो दिया गया है डैश शी डैश सिंस 7 o'clock प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसको कंप्लीट करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज़ शी बीन कुकिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैज़ के साथ आ जाएगा बीन, हैज़ शी बीन कुकिंग सिंस 7 o'clock, तो ये जो है इसमें हो जाएगा। सेकंड एट दैट टाइम ही डैश राइट अ नोवल फॉर 2 मंथ्स, पास्ट परफेक्ट में करना है तो हैड आएगा, बीन आएगा, राइटिंग आएगा, ठीक है, ही हैड बीन राइटिंग। नंबर थर्ड है साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करना है, सो साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग, क्या आ जाएगा, आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ही डैश स्लीप फॉर 5 आवर्स, तो इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कंप्लीट करना है, सो इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका रहेगा हैज़ बीन स्लीपिंग, क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इसमें आपका हैज़ बीन स्लीपिंग। उसके बाद देखिए नंबर 5th है द रेन डैश स्टॉप बाय टुमारो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, द रेन, रेन के साथ विल आएगा, द रेन विल हैव बीन स्टॉपिंग, क्या आ जाएगा, द रेन विल हैव बीन स्टॉपिंग,
तो ये जो है इसमें आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही सेड दैट ही डैश लिव हेयर फॉर 6 मंथ्स। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका आपको कंप्लीट करना है। ही सेड दैट ही हैड बीन लिविंग, ही हैड बीन लिविंग, ठीक है। नंबर 7 है साक्षी डैश हर होमवर्क फॉर अ वीक नाउ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको कंप्लीट करना है। साक्षी हैड नॉट बीन डूइंग आएगा, नॉट लगा के करना है कंप्लीट, तो साक्षी हैड नॉट बीन डूइंग। नंबर 8 हैड दे डैश आउट व्हेन यू कॉल्ड, पास्ट परफेक्ट में कंप्लीट करना है। सो हैड दे बीन गोइंग आउट व्हेन यू कॉल्ड, हैड दे बीन गोइंग आउट। नंबर 9 बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही डैश इन द स्कूल फॉर 4 ईयर्स, फ्यूचर परफेक्ट में करना है तो क्या आ जाएगा, ही के साथ विल आएगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन स्टडिंग, ही विल हैव बीन स्टडिंग, ठीक है। नंबर 10 देखिए, विल ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 आवर्स बाय 4 o'clock, फ्यूचर परफेक्ट में करना है ना, तो विल जो है पहले आ जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इसके साथ क्या आएगा, विल ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग। नंबर 11 प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग आ जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 5 डेज, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 5 डेज। नेक्स्ट देखिए, दे डैश अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करना है। सो दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock, ठीक है। नंबर 13 डैश यू डैश हेयर फॉर 2 आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या आएगा, इंटरोगेटिव है तो हैव को आगे ले आएंगे, हैव यू बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्या तुम यहाँ पर 2 घंटे से वेट कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, नंबर 14 हैड दे बीन टॉकिंग, अब देखिए इसमें पास्ट परफेक्ट है ना, तो इंटरोगेटिव है तो हैड को आगे ले आए, हैड दे बीन टॉकिंग व्हेन आई वाज अवे, ठीक है, क्या वो तब भी बातें कर रहे थे जब मैं चला गया था। बाय 6 o'clock आई डैश फॉर 3 आवर्स, फ्यूचर परफेक्ट में करना है। सो आई शैल, आई के साथ क्या आएगा, शैल, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। तो ये इस तरह से आपको इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी इंग्लिश की वर्कशीट, आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।